हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। तो आपने जैसे लास्ट व्लॉग में देखा, हमने दिल्ली टू गोवा तक की जर्नी आपको दिखाई थी ट्रेन से। तो यहाँ पे अभी हम कैलंगुट पहुँच चुके थे, जो कैलंगुट की जो मेन मार्केट है राउंड अबाउट के जो राइट साइड पे, वहाँ से हमने स्कूटी रेंट किया था। तो स्कूटी का जो हमने पे किया 500 रुपीज़ पर डे किया था, बिकॉज वो न्यू ईयर था। ऑल्दो आपको 300 से 400 में मिल जाता है। तो अभी जो आप ये देख रहे हैं, तो ये एयरबीएनबी हमने बुक किया था गाइस, तो इसके लिए हमने 3000 रुपीज़ पे किए थे। तो अगर आप गोवा विजिट कर रहे हो ना, तो कंपेरिजन होटेल्स आप एयरबीएनबी लोग, बिकॉज इसमें आपको किचन का एक्सेस मिल जाता है। और अगर आप एक लॉन्ग स्टे के लिए आ रहे हो, जैसे हम आए थे 7 to 8 days के लिए, तो इसमें किचन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि ज़्यादा दिन तक तो आप बाहर का खाना नहीं खा सकते। वाईफाई की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। एंड ये देखिए, रूम था बिल्कुल डिसेंट सा रूम था, यहाँ पे एसी लगा हुआ था, कबर्ड्स वगैरह सब कुछ थे, वॉशरूम भी काफ़ी ज़्यादा इसका डिसेंट था। तो ये जो प्रॉपर्टी है हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इसका हमने 3000 रुपीज़ पे किया था पर डे का। और जो मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इसका गाइस, किचन किचन में जितना भी रिक्वायर्ड सामान होता है ना, मतलब जितना भी हमें चीज़ें चाहिए होते हैं कुकिंग के लिए, यूटेंसिल्स, क्रॉकरी, जो बेसिक बेसिक होता है, वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल था। आप देखिए, सारा पूरा क्रॉकरी का इन्होंने अलग से दे रखा है, गैस सिलेंडर, इवन उसके बाद इलेक्ट्रिक केटल, आरो, कुकर, रोटी बनाने के लिए चकला, बेलन, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल था। तो ये जो एयरबीएनबी का स्टे हमारा था, ये कैलंगुट बीच नहीं, ये हमारा कैंडोलिम बीच के आसपास था। तो कैंडोलिम बीच यहाँ से हार्डली 2 मिनट के डिस्टेंस पे था। और इसका जो मेन इंटरेस्टिंग पार्ट था गाइस, बालकनी देखिए आप इसकी, बालकनी का व्यू गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा था। इसमें अगर आप कपड़े वगैरह धोते हो, तो इसको यहाँ पे सुखाने के लिए उन्होंने रैक भी दिया। तो इट वॉज अ वेरी गुड स्टे गाइस। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। तो अभी हम हैं कैंडलिम में, गोवा। जब आप आओगे ना, तो यहाँ पे कुछ फेमस प्लेसेस हैं, जैसे बागा हो गया, कैंडलिम हो गया, कैलंगुट हो गया। तो अभी हम कैंडलिम में हैं, फर्स्ट डे हमारा है। हम ट्रेन से आए थे, ट्रेन का फेयर 2500 रुपीज़ था। तत्काल में मैंने टिकट बुक करी थी 3rd AC की। तो अभी हम यहाँ पर पहुँच गए हैं और ये हमारा फर्स्ट डे है। तो खाना वाना हम खुद से ही बना रहे हैं, रूम का टूर ऑलरेडी दे दिया होगा शिल्पा ने, तो आप लोगों ने देखा ही होगा। वीडियो का लाइक, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड तक जरूर देखें। बाकी अभी हम जा रहे हैं घूमने। हमारा जो गोवा में रुकने का प्लान है, इट इज़ फॉर द 7 days, 7 या मतलब 6-7 दिन रुकेंगे, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि हम गोवा आए हैं और हमने वापस जाने की टिकट बुक नहीं करी है। जब तक देखते हैं, मन करेगा तब तक रुकेंगे। तो अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, बहुत इस बार हम बहुत चिल पिल होकर आए हैं, कोई प्लान नहीं है कि कहाँ जाना, जहाँ मन करेगा कपड़े पहनेंगे और निकल लेंगे। राइट, बहुत मज़ा आ रहा है। आज जैसे 1 January 2023 है, तो आज थोड़ा सा क्राउड ज़्यादा है, तो माइट बी के दिन में क्राउड भी कम हो जाएगा, तो और अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे इस बार। तो चलिए चलते हैं, बीच के मज़े लेते हैं, बाकी जैसा भी होता है आपको बताते हैं। तो गाइस, जैसे जिस दिन हम ट्रेन से यहाँ पर पहुँचे गोवा, तो उस दिन क्या हुआ कि दिसंबर में दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंडियाँ थी, और यहाँ पे जाके एकदम हम गर्मी के कपड़ों में आ गए। तो एज़ आई हैव टोल्ड यू कि हमने जैसे स्कूटी रेंट किया, तो वही थॉट कि अब थोड़ा सा खाना बना लिया जाए। तो खाना बनाने के लिए हमें ग्रोसरी चाहिए था। तो सबसे पहला काम था वो था पेट्रोल भराना यहाँ पर स्कूटी में। और उसके बाद हमने कुछ ग्रोसरी का सामान लिया, बेसिक चीज़ें जो होती हैं, दाल, चावल, आटा, ऑयल, मसाले। और ये जो अभी आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, तो ये प्रॉपर्टी है, मतलब ये बेसिकली वहाँ पे ना अपार्टमेंट्स होते हैं, काइंड ऑफ अ सोसाइटी। तो उसमें आपको एक फ्लैट ही लोग रेंट आप समझ लीजिए, या फिर आप स्टे के लिए बुक कर सकते हैं। तो इसमें आपको सारी अमेनिटीज़ मिल जाती है, जैसे स्विमिंग पूल होता है, जिम होता है, फ्लैट तो ऑफकोर्स होता ही है आपका। तो देखिए, इसका स्विमिंग पूल बहुत ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पे बैठ के भी मैंने ऑफिस का काम किया था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था मुझे, क्योंकि वाईफाई की कनेक्टिविटी गाइस बहुत ज़्यादा अच्छी है गोवा में। आपको कहीं पर नेटवर्क का कुछ एज सच कुछ प्रॉब्लम होने नहीं वाला है। तो उसके बाद हमने सामान वगैरह परचेज़ किया, फिर हम फ्लैट पर आ गए। तो ब्रेकफास्ट हमने बाहर कर लिया था, हम वड़ा पाव वगैरह हमने खा लिया था, वो क्लिप मैं शूट नहीं कर पाई। बट उसके बाद फिर हम जा रहे थे, ये जो अपार्टमेंट था ये हमारा 3rd floor पे था। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे जैसे ही थोड़ा सा सामान वगैरह लेकर आए, तो हमने बनाया दाल चावल और थोड़ा सा पापड़ हमने परचेज़ किया था। तो गाइज देखिए, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो और ये खाना आपको मिल जाए ना, तो बहुत ज़्यादा मज़ा ही आ जाता है, क्योंकि घर के खाने का जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल अलग ही होता है। यहाँ पे हमने मूवी चलाई, थोड़ा सा चिल टाइम किया, इन्जॉय किया। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा शाम को फिर से निकल गए बाहर, हमें थोड़ा सा और सामान परचेज़ करना था, तो सामान परचेज़ करने के लिए हम फिर से बाहर निकल गए। तो ये जो मतलब स्टे था हमारा, ये कैंडोलिम बीच के ही आसपास था। तो आसपास काफ़ी सारी शॉप, सुपर मार्केट्स, इवन जो जो आपको चीज़ें रिक्वायर्ड होती है ना, वो सब चीज़ें गाइस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो अगर आप नॉर्थ गोवा में स्टे
करना चाहते हो, और अगर आपका मतलब इंटरेस्ट है, अगर आप एयरबीएनबी लेना चाहते हो, तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम इस एयरबीएनबी का एड्रेस आपके साथ शेयर कर देंगे। तो ये पूरी मार्केट है कैंडोलिम की। तो गोवा में देखिए मार्केट हर जगह बीच के आसपास आपको हर जगह मिलेगी ही मिलेगी। तो वहाँ पे हम तो देखिए क्या करते हैं, हम बस एक सूटकेस लेकर जाते हैं यहाँ से, और कपड़े भी ज़्यादा हम परचेज़ नहीं करते हैं। वहीं पे जाके हम गोवा में अलग अलग डेज़ पे जो हमें अच्छा लगता है वहीं पर जाके परचेज़ करते हैं, वहीं पर पहनते हैं, क्योंकि जो कपड़े बीची कपड़े होते हैं ना गोवा में बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं गाइज। बट जब आप वहाँ से कुछ शॉपिंग कर रहे हो तो उसमें आप बार्गेनिंग करना मत भूलिए। बार्गेनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो रेट्स आपको बहुत ज़्यादा बताएंगे, तो आपको उसको रेट को मतलब थोड़ा सा कम करा के आप उससे परचेज़ कर सकते हो। बट वहाँ पे जो कपड़े हैं बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, वो आप आने वाले व्लॉग्स में देखेंगे कि मैंने जो जो कपड़े मतलब कि पहने हैं वो सारे के सारे गोवा से ही परचेज़ किए थे। फिर जैसे मैंने आपको बताया शाम हो गई, तो फिर हम थोड़ा सा घूमने के लिए निकल गए। तो पहला दिन ये न्यू ईयर का ही दिन है, तो हम सिक्वेरियम बीच पर गए गाइस। तो सिक्वेरियम बीच वहाँ से हार्डली हमें जाने में 10 मिनट लगे, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि इट वॉज 1st of January, तो काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आ रखे थे। तो सिक्वेरियम बीच पे जो क्राउड आपको मिलेगा, मतलब कंपैरिजन टू बागा बीच, या फिर अगर आप कैलंगुट जाते हैं, या फिर आप अंजुना बीच जाते हैं, तो उसके कंपैरिजन में आपको थोड़ा सा कम मिलेगा। बट ये जो सिक्वेरियम बीच है इसका व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। फिर हमने यहाँ पे सनसेट इन्जॉय किया। देखिए सनसेट जस्ट होने ही वाला, तो वी आर जस्ट वेटिंग कि सनसेट होगा। तो सनसेट इन्जॉय किया, थोड़े से हमने पिक्चर्स वगैरह कैप्चर किए। तो यहाँ पे हमने काफ़ी मतलब 2-3 घंटे स्पेंड किए। उस दिन हमने बीच में नहाया नहीं था, बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे नहा रहे थे। तो वी थॉट कि अभी हम नेक्स्ट डे पे कहीं और जाके नहाएंगे। तो उस दिन हमने मतलब कि यहाँ पे जस्ट इन्जॉय किया, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, फोटोज़ वगैरह क्लिक किए। यहाँ पे देखिए गाइज सब लोग इन्जॉय कर रहे थे, तो वी आर जस्ट क्लिकिंग आर पिक्चर्स। एंड जो आपको ऊपर की साइड दिख रहा है ना गाइज, ये अगोंडा फोर्ट है, ठीक है। इसका भी आप विजिट कर सकते हो अगर आप सिक्वेरियम बीच जा रहे हो। तो सिक्वेरियम बीच का जो पानी है ये बहुत ज़्यादा क्लीन है, तो अगर आप यहाँ पे जाओ तो आप यहाँ पे मतलब नहा सकते हो बीच में। बट अगर आप गोवा विजिट कर रहे हो ना, तो गाइज बीच में ज़रूर नहाना, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। आई हैव नोटिस कि काफ़ी लोग गोवा जाते हैं, वो बागा जाते हैं, अंजुना जाते हैं, और उसके बाद दैट्स इट। उसके मतलब बेसिकली गोवा इज़ नॉट ओनली अबाउट द बागा एंड अंजुना एंड कैलंगुट बीच। गोवा जो है वो एक्चुअली, इस बार हमने साउथ गोवा भी विजिट किया, तो साउथ गोवा इज़ बिल्कुल डिफरेंट। मतलब वहाँ पे आपको पहाड़ मिलेंगे, बीच मिलेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। तो उस एक्वेरियम बीच पे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम वापस निकल गए, एंड शाम होने वाली थी, हम थोड़ा थक भी गए थे, तो आज थोड़ा सा कहीं और जाने का हमारा ज़्यादा मन नहीं था। तो ये जो वापस आने के रास्ते देखिए, ये आपको दिख रहे होंगे कि इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड आपको यहाँ पे दिखता है। अभी शाम के बाद घूमने के बाद हम वापस आ गए अपने स्टे में, जहाँ पे हमने अपना फ्लैट लिया हुआ है, अपार्टमेंट में। तो अभी यहाँ पे किचन तो आपको बता ही चुकी है शिल्पा की है, तो मैं आपको दिखाता हूँ बना क्या रही है किचन में। क्या बना रहे हो? हाँ जी, क्या बन रहा है? ये मैंने चॉपिंग कर दी है प्याज, टमाटर, हरी मिर्च। तो आज हम बना रहे हैं पनीर, यहाँ पे चढ़ी हुई है चाय। पनीर बना रही हूँ ग्रेवी वाला, क्योंकि मटन नहीं है अभी। ये तो तुमने माहौल बना दिया पूरा है नोएडा। हाँ, नोएडा या गोवा कहीं भी रहो, सब सेम ही लगता है। वैसे फ्रेंड्स एक चीज़ मैं बताऊँ, अगर आप वेज खाते हो, नॉन वेज नहीं खाते, तो थोड़ा मुश्किल होने वाली है गोवा में। अगर यहाँ पे आपको खुद से ही सारा कुछ करना होगा, अगर आप भरपेट खाना चाहते हो, मतलब अगर आपका जो ट्रिप है वो 4-3 दिन का है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि किचन वाला ऐसा कुछ आप ले सकते हो, ठीक है। तो आप कंफर्टेबल रहोगे, अदरवाइज़ आप ढूंढते रह जाओगे एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, बट आपको वैसा कुछ मिलने नहीं वाला है, है ना। क्योंकि यहाँ पे आपको बड़ा पाव खा सकते हो। बड़ा पाव कितनी बार ही खा लोगे? रोटी सब्जी तो चाहिए ना हम लोगों को, हम नॉर्थ इंडियंस को। तो चलिए अभी ये डिनर की तैयारी हो रही है, बाकी दिखाते हैं जब ये रेडी हो जाएगा। गाइस खाना तैयार है, इट इज़ सूप, हरी मिर्च, दिस इज़ पनीर, एंड दिस इज़ चपाती। हमारे पास मीठे में खाने के लिए मफिन्स भी है। तो हाउ आर यू फीलिंग? वेरी नाइस, वेरी गुड। एक्चुअली क्या है ना कि अगर आप आ रहे हो तो ये जो खाना है ये बना के खाने की फीलिंग ज़रूर लेना। मैं बता रहा हूँ आपका आना ना सफल हो जाएगा, आप रिग्रेट नहीं करोगे कि खाने को नहीं मिला।
यहाँ पे गोवा। एसी चालू है, बस अभी हम यहाँ पे खाना खाएंगे, उसके बाद आराम से, आज बहुत ज़्यादा थक चुके हैं तो उसके बाद सोएंगे। तो चलिए स्वप्निल से रिव्यू लेते हैं कैसा बना खाना। हाउ इज़ द खाना, एक नंबर। सब्जी कैसी है, सूप, हरी मिर्च तीखी मिलती है आई थिंक गोवा में, है ना, तीखी है ना।